देखिए बात ऐसा है, जो ये लड़का आपको दिख रहा है, ए लगाओ ये मजाक मत कर, मार तुम्हारी बहन के लगाओ, मतलब देखो मजाक कर रहा था। हाँ तो जो ये लड़का है जो आपको दिख रहा है, ये बहुत जोर से डरा गया। हालांकि लड़का का वो डरता नहीं है, एकरे आगे चार पांच तो कुकुर छोड़ दो, कुकुरस भी नहीं डरता है, कुकुरे काट लेता है। लेकिन पता नहीं अचानक से कहा हो गया है, लड़का बहुत जोर से डरा गया है और ट्विटर पे ट्वीट करता है अब मोतिहारी पुलिस को टेक करते हुए कि देखिए हम निपट सकते हैं, हमको हेल्प चाहिए। और वहाँ जो है सौरभ औसरिया नाम को एक आदमी फोटो लगा देता है। देखे अरे थोड़ा डिटेल में समझते, वीडियो में बने रहो लास्ट तक, बाकी चैनल को टपकलाई मतलब टपकल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए बात ऐसा है, ये भाई साहब को बिल्कुल डरवट नहीं लगता, कैसे ये जो है पवन भैया लड़के हैं। हाँ भाई मजाक नहीं कर, तुम लोग सोचो पवन भैया लड़के नहीं है, ये पवन भैया लड़के हैं, वो वाला लड़का है पवन भैया, ठीक है। तो ये देखिए डरते उठते किसी से नहीं है ये लोग, ठीक है। लेकिन अचानक से इनके जो है मेल पे उठू मेल आता है कि अब बहुत हुआ, अब तुमको हम जो है एकदम बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बहुत हो गया है। उसके बाद में लड़का डरा जाता है, तुरंत जो है ट्वीट कर देता है। हालांकि आजकल देख रहा हूँ कि एक कुछ सौरभ ऐश्वर्या नाम का आदमी है, इनके जो है पीछे पड़ा है एकदम बिल्कुल, हाथ पैर मुंह धो के पूरा पीछे पड़ा है कि जरूर अब तुमको जो है हम देख लो, अब नहीं छोड़ेंगे, एकदम बहन बिटिया रोज आके लाइव बरी आता है। बड़े बाद में लाइव आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल एकदम अब बर्दाश्त से बाहर हो जाते, बोलते अब नहीं सह पाएंगे हमको बिल्कुल। हालांकि वो लड़का जो है सौरभ ओसरिया नाम जो है, वो जो है टैलेंट भी करता है कि बहुत अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम आके हमसे भिड़ लो। फिर लड़का ये भिड़ता नहीं है, जानता है कि हमारा का असर होगा, ठीक है। हालांकि देखो सबको लगता है कि पवन भैया टीम में बड़ा कुल बहुबली रहते हैं, पवन भैया टीम से कोई पंगा नहीं ले सकता है। देखिए बात ऐसा है कि सबके टीम में दो चार टू बौरा होते हैं, जैसे देखिए पवन भैया टीम में दो चार टू बौरा पगला लोग होते हैं जो उनकी जो है उनसे मतलब नहीं दुनिया से, ठीक है। अब पवन भैया का नाम चलना चाहिए बस, उनसे यही मतलब है। यही टाइप जो है खेसारी भैया टीम में दो चार टू बौरा पगला लोग होते हैं जिनको जो है दुनिया से मतलब नहीं, खेसारी भैया नाम चलना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके जो सौरभ ओसरिया हैं उनके जो है पीछे पड़े हैं एकदम जो हाथ गोल पिछवाड़ा धो के, ठीक है, बोले आप ससुर तुमको हम माफ़ नहीं करेंगे, बहुत हो गया, तुम बहुत मजाक कर लिए। हालांकि देखिए भाई देखो महेश पांडे के साथ में जो हुआ, ठीक है, वो गड़बड़ बोल रहे थे पवन भैया के बारे में, तो उनके साथ में गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो ये जो भाई साहब हैं ये भी खेसारी भाई के बारे में बहुत गड़बड़ बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव तो कभी दिखा ही नहीं सकते, ये नेगेटिव दिखाते खेसारी भाई। तो अगर इनको जो है कहूँ रूम में बंद करके इनका वीडियो बना लिया जाए तो गलत होगा, ठंडी तो हम लोग बता दो। हालांकि हम जानते हैं गलत बात है, किसी को जो है वीडियो वीडियो नहीं बना सकते हैं, ये हमारे अधिकार में नहीं, कानून करेगा। अगर ऐसे किए तो पिछवाड़ में बहुत भारी एक जो डंडवा लिए रहते पुलिस ये वही डाल के मुँह का निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा कुछ काम मत करना, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ बात है, किसी को धमकी धमकाना ये कुछ नीक बात नहीं है, ठीक है। जिसको सजा देगा वो कानून देगा, कानून का बप्पा तुम मत बनो, ठीक है, नहीं तो डांटे हो कानून किसको किसको भीतर किया है, बड़े बड़े बाहुबली को, ठीक। हालांकि बाहुबली को पेल लिया गया था, हाँ हाँ कटप्पा ने मारा था कि नहीं देखे नहीं थे, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भाई साहब डरा गए हैं, हालांकि आप मत डरिए, आप बिल्कुल मत डरिए, आप जो सीना खोल के घूमिए पूरे मोतिहारी जिले में, ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। घूम के देखिए देखिए ये सब बंद करो, किसी धमकी उमकी मत दो, ठीक है। कल उनको धमकी देंगे, हमको कल धमकी देंगे कि तुमको ऐसे कर लेंगे, भैया जाइए जो करना करिए, बाकी जय श्री राम, हमको भाई भगवान पर भरोसा है, ठीक है, ठीक है, हमको गरियाते उरियाते नहीं है, ठीक, जिसको जो करना है करिए गरियाइए, बाकी जय श्री राम कहते हैं, चलते आज की वीडियो में इतना है। बाकी ये जो भाई साहब है बहुत जोर से डरे हुए हैं, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग, डर जो है खौफ होना चाहिए अंदर, ठीक, चलते हैं, उपा लागू।